नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। जी हां, बड़ी बात में आज एक बड़े फैसले को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। दरअसल हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की ओर से कहा गया कि जो बरसात तूफान का जो अलर्ट दिया गया है उसके चलते उसके मद्देनजर दो दिन तक हरियाणा के सभी स्कूल जिसमें सरकारी और गैर सरकारी स्कूल शामिल हैं बंद रहेंगे। उसके बाद पीएमओ ने पूछा है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई, ऐसी एडवाइजरी ही जारी क्यों की गई विभाग की ओर से कि स्कूल बंद करने पड़े। जी, पीएमओ ने ये पूछा है मौसम विभाग से कि आपने ऐसी एडवाइजरी क्यों जारी की है जिससे कि हरियाणा सरकार को दो दिन तक स्कूल बंद करने पड़े हैं। और पीएमओ के इसी सवाल पर मौसम विभाग ने हैरान कर देने वाला एक जवाब दिया है। मौसम विभाग का ये कहना था कि उनकी तरफ से हरियाणा सरकार को ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी ही नहीं की गई है। कुछ ही दिन पहले की बात है, मौसम विभाग की एक ऐसी चेतावनी थी जिसे किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, जिसके बाद खराब मौसम ने यूपी से लेकर राजस्थान के कई इलाकों में तबाही मचा दी थी। कई परिवार उजड़ गए, कहीं चीखों पुकार थी तो कहीं अपनों को खोने का गम। सभी अगर किसी को कोस रहे थे तो वो था मौत का बवंडर। ये बीती भयानक तस्वीरें थी। आने वाले समय और मौसम विभाग पर सबकी नजर थी और उसके बाद देश के कम से कम 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार को आंधी तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका जताई गई। ये जानकारी खुद गृह मंत्रालय ने दी, जिसके बाद मौसम विभाग की चेतावनी भी सामने आई। चेतावनी डरा देने वाली थी। लोगों ने खबर को सुना तो भयभीत हो गए। मीडिया में खराब मौसम की सुर्खियाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तो छा चुकी थी। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कहाँ पीछे रहने वाला था। अफवाहों का बाजार तुरंत गर्म हो गया और तूफान से बचने के लिए अलग अलग सुझाव दिए जाने लगे। तूफान आने से पहले का सन्नाटा हरियाणा के स्कूलों में भी दिखाई दिया, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के अधीन आने वाले हरियाणा शिक्षा विभाग ने दो दिन की छुट्टियों का एक नोटिस जारी किया और भेज दिया गया, जिसके बाद हरियाणा के करीब 350 प्राइवेट और 575 सरकारी स्कूलों को दो दिनों तक बंद रखने का आदेश दे दिया गया, लेकिन 7 मई को दिया गया। तूफान की चेतावनी का असर हरियाणा में कम ही देखने को मिला और इसी बात की हैरानी पीएमओ को हुई। उसके बाद तो आंधी तूफान को लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ के स्कूल को बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौसम विभाग से जवाब तलब किया है। पीएमओ ने पूछा है कि आखिर इस तरह की एडवाइजरी किस आधार पर जारी की गई, किस तरह से हरियाणा सरकार को एडवाइजरी दी गई है कि स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। पीएमओ के सवाल पर मौसम विभाग ने हैरान करने वाला जवाब दिया। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम विभाग से हरियाणा सरकार को ऐसी कोई एडवाइजरी जारी ही नहीं की गई कि स्कूल बंद किए जाएं। मौसम विभाग के देवेंद्र प्रधान का कहना है, हरियाणा सरकार को स्कूल बंद करने के लिए कोई एडवाइजरी नहीं दी गई। अगले 24 घंटे में दिल्ली NCR में आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। पीएमओ का सवाल और मौसम विभाग के जवाब ने शिक्षा विभाग को शर्मिंदगी महसूस करवाई है। तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई सारे भागों में थंडर स्टॉर्म के साथ वर्षा की संभावना है। प्लेन्स की कहें तो पंजाब, हरियाणा में आज और कल भी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ की हमने पूर्वानुमान दिया है और ये उम्मीद की जाती है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी कल शाम तक इस प्रकार की एक्टिविटीज़ बनी रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार की चेतावनी की बात है या बहुत ज़्यादा चिंता की बात, वो नहीं है, क्योंकि ये मध्यम स्तर की थंडर स्टॉर्म्स रहेंगे और जो स्क्वाली विंड कहते हैं, जिसमें विंड स्पीड करीब 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है, उसकी संभावना जरूर बनी है कल शाम तक। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए खबरें अभी तक ने मौसम विभाग के बड़े अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है और हकीकत क्या। खबरें अभी तक की टीम चंडीगढ़ में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के मौसम विभाग के मुख्य कार्यालय में पहुंची और वहां के निदेशक से जानना चाहा कि क्या वाकई ऐसा कोई तूफान आने वाला है या नहीं। हिमाचल की तरफ से हवाएं आएंगी जो एंटर करते हैं चंडीगढ़ से हरियाणा में। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं, जैसे ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये आगे आएंगे।
ठीक है, और फिर इस तरफ से भी हवाएं जो है सी की तरफ से भी हवाएं आती हैं, तो ये दोनों मिलके जो है इस तरह की घटना तैयार करती हैं। तो स्थिति क्या रहेगी, किन किन जिलों में क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर थोड़ी बहुत भी हवाएं तेज चलती हैं, और किन किन जिलों में ज़्यादा प्रभाव दिखेगा खासकर इन हवाओं का और तूफान बारिशों का? देखिए, नॉर्थ में जो जिले हैं हरियाणा के, साउथ में और वेस्टर्न पार्ट में जो भी जिले हैं वहाँ संभावना है, और अगर ऐसी संभावना कोई होती भी है तो हम जो है इमीडिएट अलर्ट कर देंगे स्टेट अथॉरिटीज़ को, ऑलरेडी उनको SMS के जरिए दिया जाता है, तो ऐसी कोई संभावना अगर डेवलप होती भी है तो हम उनको बिल्कुल अलर्ट कर देंगे। आज की बात करें सोमवार की, तो क्या 7 तारीख सोमवार में क्या ऐसी कोई संभावना है कि शाम तक या रात तक तेज़ हवाएं चल सकती हैं? देखिए, राम शाम तक बारिश होने की संभावना है, रात को बारिश हो सकती है और कल भी है, तो ये अगले 24 घंटे में ही है बारिश अगर होगी, इसी इन्हीं दौरान पे कुछ तेज हवाएं भी चल सकती है, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक होने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं। अब मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक ने तो राहत की सांस लेने का मौका दिया है, ऐसा कोई तूफान हरियाणा में दस्तक नहीं देने वाला जिससे कि लोगों को डरने की जरूरत हो। लेकिन किस्सा यही खत्म नहीं होता, क्योंकि कंफ्यूजन और भी है। हिसार लिए चलते हैं आपको, जहां मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर तूफान को लेकर भिवानी प्रशासन अलर्ट पर हो गया है। CMO ने सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों की हर तरह की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए, साथ ही दवाइयों की पूर्ति करने और एम्बुलेंस की भी किसी तरह की कमी ना हो इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए। सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को स्टेशन छोड़ने के लिए मना किया है। सभी डॉक्टर और सभी कर्मचारी ड्यूटी रहेंगे और किसी को इस दौरान छुट्टी नहीं दी जाएगी, और एम्बुलेंस हमारे पास, एम्बुलेंस का पूरी तरह से उचित प्रबंध है एम्बुलेंस का हमारे पास, और दवाइयों का भी हमारे पास उचित प्रबंध है। यही हाल कुछ जींद और हिसार में भी देखने को मिला है, जहां मौसम विभाग के अधिकारियों ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन कुछ जिलों में साथ ही ये भी कहा कि मौसम खराब होगा तो कोई भी नुकसान इससे नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ी सी तेज आंधी आ सकती है, ये आंधी जो है मई और जून के महीनों में अक्सर हरियाणा और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई साल से आती रही है, तो ऐसी घबराने वाली और ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल भयंकर तूफान और बारिश की आशंकाओं के बीच हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इसकी पुष्टि भी की थी, लेकिन वायदों की छड़ी लगाने वाले साहब को PMO का ये सवाल शायद ही रास आया हो। टीम खबरें अभी तक। या वाकई में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो फैसला लिया गया है वो जल्दबाजी में लिया गया है, क्योंकि PMO ने जब पूछा है मौसम विभाग से कि ऐसी एडवाइजरी आपने हरियाणा सरकार को क्यों जारी की है, किस आधार पर की है, तो मौसम विभाग का अपने आप में ही हैरान कर देने वाला यही जवाब था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मंत्री जी आदेश देते हैं कि 2 दिन अवकाश रहेगा, मंत्री जी के आदेश पर सवाल उठता है और सवाल पर अब बवाल है, लेकिन पहला मौका नहीं जब मंत्री जी के बयान या फिर आदेश पर बवाल हुआ हो, इससे पहले भी कई बार कई मौके ऐसे रखे जब उनकी बात पर बवाल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का नाता विवादों से काफी पुराना है। सत्ता में आने से पहले रामविलास शर्मा की ओर से बयान दिया गया, वादा किया गया जंतर मंतर पर कि पहली कलम से गैस टीचर्स को पक्का कर देंगे, वो नहीं कर पाए। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। और आज भी इस बयान को लेकर कई बार सरकार भी घिरी है, कई बार मंत्री जी से सवाल भी किए गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि JBT टीचर्स को नौकरी देंगे, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पंचकुला में धारा 144 जो लगाई गई है वो डेरे वालों के लिए नहीं लगाई गई है। 144 लगी है, हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, परंतु धारा 144 श्रद्धा के ऊपर नहीं लगी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई। अब मंत्री जी को PMO से सुननी पड़ी है कि हरियाणा के स्कूलों की छुट्टी क्यों की गई, जबकि मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट ही जारी नहीं किया था। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से कुमार रमेश की रिपोर्ट।
तो ऐसे कई बयान हैं जिन पर पहले भी सवाल उठे हैं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के, लेकिन एक बार फिर से जो ये मुद्दा आया है क्योंकि लोगों के बीच भी जो है एक डर पैदा हो चुका था, क्योंकि जब ये सवाल आता है कि आपके बच्चे दो दिन स्कूल ना जाए क्योंकि तूफान आ सकता है, तो लोगों में भयभीत होने वाला एक डर तो होता ही है। बिल्कुल, क्या अफवाहों की बुनियाद पर मंत्री जी इस तरह के आदेश देते हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग कहता है कि किसी भी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी, किसी भी तरह का इस लिहाज से अलर्ट नहीं कहा गया था कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इस तरह की चेतावनी नहीं दी गई थी। क्या आनंद फानंद में फैसला लिया गया और मंत्री जी के ही फैसले पर, मंत्री जी के ही आदेश पर इस तरह के बवाल या सवाल क्यों होते हैं? खास पैनल के साथ इन सवालों के जवाब लेंगे। हरियाणा बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता हैं रमणीक मान साहब, बहुत स्वागत है मान साहब आपका। इनेलो प्रवक्ता जोगीराम साहब हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। साथ ही हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता रंजिता मेहता जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक श्याम सखा श्याम जी हमारे साथ हैं, सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मान साहब, किस तरह से डिसीजन लिया गया जिसको लेकर पीएमओ को सवाल करना पड़ा कि हरियाणा में ऐसी क्या नौबत आई कि दो दिन के बच्चों की छुट्टियां करनी पड़े? देखिए ज्योति, एज द सेइंग गोज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहरहाल, जहां तक प्रश्न है एडवाइजरीज का, तो एडवाइजरीज निरंतर जिला स्तर पर जारी हो चुकी थी। मौसम विभाग की पहले भी ऐसी एडवाइजरी आई थी और 3 तारीख को जिस प्रकार से तूफान आया था, उसके बाद जो जानो माल का नुकसान हुआ है, उसके मद्देनज़र प्रिकॉशन लेना, अलर्ट जारी करना कोई गलत नहीं है, उसके अंदर कोई मेरे ख्याल है गलती नहीं है। दूसरा ये है कि यदि ऐसा अलर्ट ना जारी किया जाता और वास्तव में जिस प्रकार से पिक्चित था तूफान होता आज, और उसके अंदर बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने के समय या स्कूल में रहते समय कोई इस प्रकार का अगर कुछ नुकसान होता, तो उसके ऊपर भी विपक्ष ने और मीडिया ने सरकार को इसी बात को लेकर घेरना था कि साहब आपने एडवाइजरी जानकारी होने के बावजूद जारी क्यों नहीं की। तो प्रिवेंटिव मेजर लेना, अलर्ट पे रहना, उसके अंदर मेरे हिसाब से कोई गलतियां गुस्ताखी नहीं है। परंतु इसके ऊपर यदि कई चीजों को जोड़ के और उस चश्मे से उस आईने से उसको देखना चाहें, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी के कोई संज्ञान लेने की बात है, ऐसा कोई विषय कोई चिट्ठी अगर हो तो उसको भी आप दिखा दें, क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है अभी के लिए। और आपने रिपोर्ट में दिखाया कि मौसम विभाग से दिखाया, वो आपके अपने ग्राफिक थे, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई चिट्ठी कोई मेमो नंबर लगा हो ऐसा कोई आपने पत्र नहीं दिखाया। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि इसके अंदर भी, अब चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं बहरहाल, परंतु इतना ऑथेंटिक वो ग्राफिक लग नहीं रहा था। बहरहाल, अगर ऐसा भी कुछ है तो मौसम विभाग उसके ऊपर अपने अनुसार उसका उत्तर देगा। मान साहब, सवाल ये भी है कि क्या हरियाणा सरकार ने या खुद शिक्षा मंत्री ने मौसम विभाग से पूछा था कि वाकई में इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि दो दिन के लिए छुट्टी कर दी जाए स्कूल की? देखिए कमल, ऐसा है कि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी डीसीज ने अलर्ट पे रखा हुआ था, और जो हमारी फायर सर्विसेज हैं उनकी भी छुट्टियां रद्द की हुई थी, और जो हमारे सफाई विभाग है उसकी भी छुट्टियां रद्द करी हुई थी कि आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एक विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग जो है उसकी भी सिफारिशें इसके अंदर लागू की जाती हैं। और अगर केवल और केवल बच्चों के, देखिए सरकारी कार्यालय ऑफिस और सब बंद नहीं, केवल बच्चों की सेफ्टी के लिए, अगर ये मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए सरकार कुछ करती है तो उसमें मैं कुछ गलत नहीं देखता। बिल्कुल, चलिए रंजिता मेहता जी आपके पास आते हैं। कई माखोल उड़ाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक मैंने भी सोशल मीडिया पर जवाब देखा, एक यूजर ये कहते हैं कि टोल टैक्स पर अटका हुआ है तूफान। यही बात ताजुब की है, क्योंकि सुबह से आज जो एक माहौल था, कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस का माहौल था। डिस्कस करेंगे टीवी पे, आई एम सॉरी प्लीज। आज मान साहब जो लोग हैं हरियाणा के, उन्होंने ही ऐसा बयान दिया है कि आपके फैसले का वहां पर जो है कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। हमारा हरियाणा इतना हसमुख प्रदेश है कि इसमें, लेकिन ये सोशल मीडिया की बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। परंतु सुनिए, अब अगर मेरे से सवाल किया गया है तो ये मैंने देखा तो बोला, उन्होंने मेरे को टोक लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। हां बोलिए। सुबह से जो था माहौल जो था, कहीं ना कहीं एक इनकन्वीनियंस का माहौल था। बच्चों को पहले तैयार किया गया, यूनिफॉर्म पहनाई गई, उनको बस स्टॉप तक ले जाया गया, उसके बाद स्कूल से मेल आती है कि आपकी छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक डर और भय का माहौल भी था कि पता नहीं क्या होने वाला है। आदेश तो कल ही आगे थे, पर स्कूलों की छुट्टियां जो है सुबह मैसेजेस फ्लैश हुए हैं उस समय, जब बस स्टॉप पे बच्चे ऑलरेडी खड़े हुए थे, काफी हद तक बच्चे खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं
जो अभी माहौल की बात कर रही है कि हर जो फेसबुक ट्विटर के ऊपर सुबह से ही ऐसे जोक्स और वो चल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तरफ बिहार और यूपी के लोग मंदिरों में ही दुआएं कर रहे हैं कि तूफान ना आए, और वहीं हरियाणा के जुल्मी लोग छतों पर खड़कर इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है आज सुबह से ही लोग इस पे थकथकी लगाकर बैठे हुए हैं कि तूफान कब आएगा कब आएगा। तो ऐसे बहुत से मैसेजेस दिए जा रहे हैं जिस पर ये भी कहा जा रहा है कि सीएम साहब डरकर विदेश भाग गए क्योंकि हरियाणा में तूफान आने वाला है। तो कहीं ना कहीं चलो माहौल तो चलता रहता है, पर ये सीरियस तब हो जाता है जब आपको एडवाइजरी नहीं दी गई और उसके बावजूद आपने इसको लागू किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। जो डीडीजीएम है देविंदर जी, उनका साफ तौर पे ये बयान आया है कि हमारी तरफ से कोई भी एडवाइजरी हरियाणा को जारी नहीं की गई, और ना जारी करने के बावजूद अगर आप इस तरीके के जो निर्देश देते हैं तो कहीं ना कहीं किरकिरी हरियाणा की भी होती है, यहाँ के प्रशासन की भी होती है, और स्कूलों में जो असुविधा है, आप देखिए मई का महीना है, 24 से हर स्कूल में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, और इस समय सभी बच्चों के पेपर्स ड्यू हैं। इस समय जो दिन होते हैं एक एक दिन बड़ा काउंट होता है एजुकेशन में, पढ़ाई के अंदर, और उस समय जब बच्चे घर पे दो दो दिन तक बिठा दिए जाएंगे एडवाइजरी ना होने के बावजूद, तो वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि रामविलास शर्मा जी या तो पूरी नॉलेज के साथ काम नहीं करते या आनन फानन में कोई भी बयान दे देते हैं या आदेश जारी कर देते हैं और उसके बाद यू टर्न लेके उसको वापस ले लेते हैं। मान साहब देखिए, इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रंजीता जी ने कहा कि जी हम तो बच्चों को स्कूल के बस स्टॉप तक ले गए, हमारे को स्कूल से मेल बाद में आई। बड़ा अजीब लगा रंजीता जी, कोई और कहता तो मैं शायद उसको देखता सोचता भी। आप तो बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे ऐसे में जिसमें प्रेस का और मीडिया के लोग हैं, ये तो कल रात को ही आ गया था। और अगर आप ये कहें कि मेरे को सुबह तक स्कूल से जानकारी मिली है, हरियाणा की छुट्टी डिक्लेयर हुई थी, चंडीगढ़ की नहीं, मेरी बिटिया चंडीगढ़ में पढ़ती है और मेरा बेटा हरियाणा में पढ़ता है, बेटे को मैंने सुबह नहीं उठाया पर बिटिया को उठाया, मैं चीखती नहीं। मैडम सुनिए, मैं आप बोल रहे थे मैंने सबर किया, मैं बोल रहा हूँ आप सबर कीजिए। चंडीगढ़ प्रशासन हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है, बात खत्म। दूसरी, अब जहां तक एडवाइजरी का विषय है, एडवाइजरी के संदर्भ में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि हरियाणा के अंदर तूफान और बारिश और तूफान आंधी के साथ आ सकती है। कुछ जो ऐसे देखिए, पहले क्या रहता था कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती थी उनके ऊपर सैटेलाइट्स का फोकस रहता, अभी क्या है कि पूरे भारत के चप्पे चप्पे के ऊपर सैटेलाइट का फोकस है और हर एक स्टेट का या हर एक सेंटर के तौर पे हर एक एरिया का एक मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस होता है और निरंतर होता है, उसके समीक्षा भी होती रहती है और उसके लिए वो एडवाइजरी जारी भी करते हैं। लेकिन इतना स्कूल बंद करने की, देखिए आपकी बात का उत्तर ही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, आपकी बात इतना बड़ा खतरा था जितना हवा क्रिएट कर दिया गया। डू आई हैव अ राइट टू स्पीक स्पेशली व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन? सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। ऐसा सत्य है कि स्कूल बंद करने की एडवाइजरी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नहीं दी थी, इसके अंदर कोई गलत नहीं है। जो ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं वो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ठीक कह रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से मौसम का अनुमान दिया गया था, ये एक अप्रोक्सीमेशन होती है, ये मौसम का अनुमान होता है, ये निश्चितता नहीं होती कि ऐसा ही हो जाएगा। तो उसके अंदर परसेंटेजेस रहती हैं मौसम के अनुमान के आधार, उस आधार के ऊपर यदि प्रदेश सरकार ने फिर वही कमल वही हो रहा है। मेरी बात पूरी हुई नहीं हुई ना, मैंने आपसे माफी मांगी इसके लिए। क्यों? एक सवाल ये है कि माफी नहीं है, खत्म कर दिया। अगर आने वाले समय में फिर से अनुमान लगाता है मौसम विभाग, क्या फिर से छुट्टियां होंगी स्कूल की? जी निश्चित रूप से, अगर ऐसा लगेगा कि बच्चों को हानि हो सकती है मौसम की उस स्थिति में, तो पक्का होगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री को होगी या मौसम विभाग को होगी? बच्चों को खतरा हो सकता है, इस बात की जानकारी विभाग को होगी या मंत्री जी को होगी, बताइए। जी जी जी, देखिए ऐसा है, मौसम विभाग अपनी जानकारी देता है, अपनी एडवाइजरी देता है, अपना अलर्ट जारी करता है, उस आधार के ऊपर जो प्रदेश के अंदर विभिन्न जिले हैं उनके डीसी हैं वो अलर्ट जारी करते हैं और आपदा प्रबंधन विभाग उसकी व्यवस्था में लग जाता है, पहला। दूसरा, अब इसकी जानकारी यदि वो सटीक, क्या आप समझते हैं कि मौसम विभाग बोलेगा कि आज आप स्कूल बंद कर दीजिए, कल आप कॉलेज बंद कीजिएगा, चौथे दिन आप अपने दफ्तर बंद कीजिए? देखिए उनकी तरफ से एक अलर्ट आता है, अलर्ट के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई करनी, वो आपदा प्रबंधन विभाग का काम है और बच्चों की सुरक्षा सबसे ये पीएमओ को समझ नहीं आया। जोगीराम जी, जोगीराम जी से सवाल करूंगी मैं, अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी। आपने जवाब दिया सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जोगीराम जी को चर्चा में जोड़ूंगी मैं। जोगीराम जी से प्रश्न किया, क्या नहीं आपसे नहीं किया? बिल्कुल, मैंने जोगीराम जी कहा सर, आपसे नहीं किया, सवाल नहीं किया, जोगीराम जी से सवाल किया मैंने, आपसे भी सवाल कर लेंगे। पीएमओ ये पूछता है कि हरियाणा के सभी स्कूलों को बंद करने की नौबत कैसे आ गई, क्या किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई जिस पर मौसम विभाग इनकार करता है? नहीं, देखिए सजग रहना बहुत अच्छी बात है, किसी भी अगर हमें लगता है ऐसा कुछ होने वाला है तो उस पर सजग होना, और वो भी छोटे बच्चों के बारे में सजग होना जी, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन ऐसा अंदेशा तो जरूर था कि भी अंधेरी आएगी, कहाँ आएगी नहीं आएगी, ऐसा दो तीन दिन से चल रहा था, और एक जल्दी में ऐसा फैसला लिया गया
वो आप उसको छोटी भूल मान लें, बड़ा मान लें, ऐसा नहीं है कि कभी भी एडवाइजरी जो होती है ना ये नहीं होती, जैसे मान साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि अभी छोटे, देखो कॉलेज नहीं बंद किए गए, केवल छोटे बच्चों के स्कूल बंद किए, ठीक है। तो एडवाइजरी का मतलब ये नहीं होता, एडवाइजरी का मतलब है आप सजग रहो, रेडी रहो और तैयार रहो अगर मेडिकल कोई फैसिलिटी। चलिए इनेलो साथ खड़ी है सरकार के इस फैसले में, आपका स्टैंड जो है इनेलो का स्टैंड है, इनेलो को लगता है कि छोटी सी भूल है, मंत्री जी जो कहते हैं। बात सुनिए पूरी मैडम, मैंने ये कहा कि पीएमओ की तरफ से अगर एडवाइजरी आई है ना, उन्होंने पूछा उनको मौसम विभाग को, तो पीएमओ ऑफिस को भी ऑलरेडी पता होता है अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। और ये इन्फॉर्मेशन चली भी गई थी, चंडीगढ़ में भी हुआ यहाँ भी हुआ, तो कई मंत्रियों की होती है वे जल्दी में कुछ गलत डिसीजन ले जाते हैं, गलत डिसीजन। वो हमारे शर्मा जी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं बाबा जी के, तो भाई सारे गुरु हैं वहां जाके लेट जाओ फलाना कर लो, ये क्योंकि अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता में पूरा पार्टी ने जीता, इनको सीएम बनना चाहिए था, इनको भी इच्छा रहती है मेरे भी कोई आदेश तो चले सरकार में, है मेरे कोई आदेश नहीं सुनता, अजोल अजोल ही अपना आदेश करते रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, उस बारे में सजग रहना जरूरी था मेरा कहना। देखिए ऐसा है कि निजी और सरकारी स्कूल मिला के कुछ 1600 से अधिक स्कूल है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। अब पूरे हरियाणा प्रदेश बंद नहीं हुए, सारे आज भी बंद नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर 1600 से अधिक निजी और सरकारी स्कूल है। अब एक भी बच्चा अगर उसके अंदर जख्मी होता, हताहत होता, उसको किसी प्रकार की तकलीफ आती, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से तो अच्छा ये था कि एक एडवाइजरी जारी करके 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया जाए। इसके अंदर पढ़ाई का अगर कोई हर्ज होता है तो वो एक अलग विषय है, परंतु अगर बच्चों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के अगर मद्देनजर अगर ऐसी एक एडवाइजरी शिक्षा विभाग की ओर से आ गई, तो एक अभिभावक होने के नाते से, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते से, इसके अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उसका एक आपने राजनीतिक रूप देना है, उसको अगर आपने कई और मसलों के साथ जोड़ के देखना है, तो वो आप उसके लिए स्वतंत्र है, मैंने पहले कहा आप। परंतु निरंतर मैं इस बात को ये कहूंगा कि अगर भविष्य में भी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि बच्चों को, देखिए क्या है कि स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं वो माइनर होते हैं, 18 से नीचे होते हैं, कॉलेज में बच्चे जाते हैं तकरीबन 18 से ऊपर होते हैं, तो वो अपने आप को संभालने में और दूसरों को संभालने में सक्षम होते हैं, छोटे बच्चों को चोट लगने में, तकलीफ होने में। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। सखा श्याम जी, जब मौसम विभाग ये कहता है कि बहुत बड़ा खतरा नहीं था, तो क्या मानकर चला जाए हर बरसात की बात जब जब होगी या तूफान की बात होगी, आंधी की बात होगी, तब तब स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, पीएमओ भले ही सवाल पूछता रखे। सखा श्याम जी देखिए इसमें 3 बातें हैं। पहला तो एडवाइजरी पर मैं मान साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनका काम एडवाइजरी करना है और उसको प्रोसेस करना और उसको समझना वो विभाग का काम है, सरकार का काम है। और सरकार अगर 3 बातें हैं इसमें, एक तो मई का महीना है, कोई एग्जाम के वो नहीं है, तो इन दिनों में अगर कर भी दी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मैं नहीं समझता इसे। फिर जहां 100-200 के करीब लोग मर गए हैं, तो कहते हैं भाई दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरे ऐतराज 2-3 बातों पर है। पहला तो यह है कि पीएमओ ने संज्ञान लिया, जैसा आप कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि जब हरियाणा जल रहा था जाट आरक्षण में, या जब 1.5 लाख आदमी यहाँ इकट्ठे थे, या रामपाल का वो था या दूसरे वो थे, तब कोई संज्ञान ले लिया इस छोटी सी बात पर कि एक स्कूल बंद कर दिए गए। इसके लिए पीएमओ के पास वक्त है। तीसरी बात यह है कि इस सरकार में यही नहीं फैसले, आप ये देखिए कि वो लड़कियों ने पार्क में एक लड़कों को पीटा था रोहतक में, उनको पहले शेरनी बना दिया, यानी बिना सोचे समझे डिसीजन लेने का इनकी आदत है। चाहे अब वो दलित कांड में वहां लें, फरीदाबाद का, गुड़गांव के बच्चे के में लें, कहीं भी ले लें आप, यानी अनिल विज के ले लें कि कभी कुछ कह देते हैं कि भाई ये जो है महात्मा गांधी की फोटो जब तक इस पर छपी है तब से रुपया डिवैल्यू हो गया। तो इस सरकार में बेसिकली क्या है कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द मेन पॉइंट। मैं इस बात से बिल्कुल मान साहब से सहमत हूँ कि भाई इसमें कोई गलती नहीं। ब्रेक पर जाएंगे, अगर 2 दिन की छुट्टी होगी तो क्या बात होगी, छोटे बच्चों की छोटी सी बात पर पीएमओ लुटता है, जो कि सखा श्याम जी को लगता है, हमें नहीं लगता कि बहुत छोटी बात पर पीएमओ को संज्ञान बड़ी चीजों का लेना चाहिए, इतनी छोटी चीज अगर मंत्री जी आदेश देते हैं, मंत्री जी अपने विभाग में आदेश देते हैं, उस बात पर पीएमओ सवाल कर लेता है। देखिए मेरा पॉइंट ये है, पहला आपने ये कहा पीएमओ ने संज्ञान लिया, आप मुझे चिट्ठी नंबर दिखाइए, आप वो चिट्ठी दिखाइए कहाँ कि ये जो आप जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कहीं सोशल मीडिया
की उत्पत्ति तो नहीं है, आप दिखाइए मुझे। जी अलर्ट पर सवाल और आदेश पर बवाल। कुछ ऐसा होता है फैसला जिस पर विरोध होता है और कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसका समर्थन भी किया जाता है, इसी पर हम चर्चा भी करें। रंजीता मेहता जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे जो कल नोटिस जारी किया गया है, शिक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि भी की है कि 2 दिन की छुट्टी हरियाणा में दे दी जाती है, लेकिन कुछ फैसले उनके ऐसे भी होते हैं जिन पर उनकी जुबान पक्की होती है, वो खुद कहते हैं, लेकिन लेटर इशू नहीं होते। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। जंतर मंतर के ऊपर जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो बड़े शेरो शायरी के अंदाज में वहाँ शेर भी बोले गए थे और टीचर्स को पहले कलम से पक्का करने का वादा भी किया गया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि सीट्स बढ़ाई जाएंगी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के दौरान कि यहाँ पर जो अनुयायी आए हैं पंचकुला के अंदर वहाँ पर धारा 134 से नहीं लागू होती, तो 144 नहीं लागू होती, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर रामविलास शर्मा जी की किरकिरी बार बार होती है। कहीं ना कहीं लगता है कि आनंद फानंद के अंदर कोई भी डिसीजन लेकर उसके बाद यू टर्न बड़ी जल्दी से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदाराना पोस्ट पे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा विभाग है जिसपे इतने लोगों का भविष्य टिका हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। और आज जो सोशल मीडिया पे तो ये भी मजाक चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो इतना दूल्हे का इंतजार नहीं करना पड़ता जितना आज तूफान का इंतजार करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी किरकिरी की जा रही थी कि आज कहीं आज शुक्र करूंगी कि इन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया मान साहब ने, जी जी बोलिए, आज मान साहब ने इल्जाम नहीं लगाया, आज मान साहब ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने तूफान रोक रखा है, तूफान तो आना था। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के अंदर ऐसे जब मजाक उड़ते हैं तो सरकार की किरकिरी भी होती है और लोग भी इसको एक माहौल और एक जो है हो गया आपका मजाकिया माहौल बन जाता। अच्छा, है जी, नहीं हुआ नहीं अभी। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप रोक लीजिए, थोड़ा विराम दीजिए, कोई बंदे बाप बोलेंगे तो बीच में मैं भी इसी अंदाज से ही आपको, नहीं मेरे को तो कमल ने बोला था इसलिए जी जी मानसा बोलिए, आप बाबा बाबा बीच में तो कमल साहब से पूछेंगी। ओके अच्छा ऐसा है कमल, देखिए पहला ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि जो पीएमओ की एडवाइजरी है वो एक दफा दिखा दें, मौसम विभाग को दी गई, मीडिया को दी गई। हाँ नहीं नहीं आप दिखाइए क्योंकि अब मेरे को संशय है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं शायद, ये भी कहीं किसी सोशल मीडिया की उत्पत्ति ना हो जिसके ऊपर आप आज पूरा डिबेट छेड़ के बैठ गए। बहरहाल दूसरी बात, मैं हैरान हूँ बौद्धिक स्तर पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे जिसके ऊपर आप इस डिबेट को लेके जा रहे हैं, विशेष तौर पे जब कोई मखौल और मजाक और सोशल मीडिया पर जिस प्रकार के चुटकुले चल रहे हैं उनका उनकी चर्चा एक नेशनल टेलीविजन पर। कमल मैं आपसे देखिए मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा हूँ, प्लीज एक मिनट मेरे को बात अपनी संपन्न करने दीजिए, मेरे को ना टोकिए आप, मेरा निवेदन लेकिन एक बात बताइए ना, मेरे को 30 सेकंड के लिए, मेरे को 30 सेकंड के लिए बोलिए, अरे एक मिनट कमल क्या आप अपना 30 सेकंड के लिए सवाल रोक सकते हैं, सुनिए आप अपना 30 सेकंड के लिए सवाल रोक सकते हैं, धन्यवाद 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 जी बोलिए। जो चंडीगढ़ के मौसम विभाग के निदेशक हैं उनको आपने सुना, वो ये कहते नजर आए हैं कि ऐसा तो नुकसान नहीं होने वाला है जो तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है या आंधी आने वाली है, तो ऐसा क्या अंदेशा आपकी सरकार ने लिया है या संकेत मिले थे कि उसके बाद 2 दिन की छुट्टी कर दी गई? सुन लिया, सवाल ये है, हो गया सुन लिया, अब मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनना, एक्सट्रीम वेदर गर्मी में भी सर्दी में भी निरंतर बच्चों की छुट्टियां होती रही, और हमारे देश में तो ऐसा मतलब कई वर्षों से ऐसा रहा है कि जो गर्मियों में शुरुआत से जब गर्मियों का जब एक्सट्रीम वेदर होता है उस वक्त तो वैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं, और सर्दियों के अंदर भी अभी आपने हाल ही में देखा होगा जनवरी के अंदर भी कुछ दिनों की बच्चों की छुट्टियां की थी, तो ये निरंतर एक चलता रहता है, प्रोसीजर है। अब जैसा कि पहले आपको बताया, आपने कहा कि मौसम विभाग जो चंडीगढ़ के निदेशालय के व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि साहब ऐसा हमने नहीं कहा, तो मैंने तो पहले आपसे इस बात को कहा कि साहब ये तो हमारे पास कोई ऐसे स्पेसिफिक आई नहीं थी कि स्कूल बंद कर दो, और ऐसा कभी स्पेसिफिक आप अपेक्षा भी मत करना, लेकिन देखिए जवाब में सवाल निकलता है, मेरे सवाल पूछा जाता है, आप बुरा मान जाते हैं। उससे पहले ये सुनते हैं कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज क्या कहते हैं, आपके पास पीएमओ का कुछ आया क्या, आप एक बार सुन लेते हैं, आपके पास पीएमओ का कुछ आया क्या, कैबिनेट मंत्री की बात, अरे क्या आप लोग ये अब हर वक्त तूफान की वो घोषणा की जा रही है कि तूफान आएगा, और कई दिनों से सभी चैनलों पर इस बात की है, उस बात को देखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री ने 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया कि अगर जब चेतावनी दी जा रही है तो कोई ना कोई कदम उसके लिए उठाना चाहिए। सभी चैनल जितने भी हैं, सभी समाचार पत्र, सारा मीडिया इसको दिखा रहा है, और मौसम विभाग इसकी घोषणा कर रहा है। अब प्रिकॉशनरी ही उन्होंने काफ़ी उसी स्तर का कहा जैसा पहले आया था, ये उन्होंने कहा था। ज्योति जी, इस पे
एक सवाल और भी उठता है, क्या अब ये रिव्यू लिया जाएगा कि कल की छुट्टी भी की जाएगी कि नहीं की जाएगी? आज का दिन का माहौल देखते हुए और आज जो किरकिरी हुई है उसको देखते हुए कि कल भी ये निर्देश जारी किए जाएंगे कि छुट्टी कंटिन्यू रहेगी या छुट्टी वापस ली जाएगी? जोगीराम जी आएंगे आपके पास, ब्रेक के बाद। हमने आपसे सवाल नहीं पूछा है, मेरे जहन में है ये जानकारी, लेकिन मान साहब आप बार बार कहते हैं कि पीएमओ ने क्या पूछा, किस तरह से पूछा, जरिया क्या रहा, ये मौसम विभाग से सवाल किया गया है, मीडिया को इस तरह की कोई जानकारी हालांकि नहीं दी गई। जब मौसम विभाग जानकारी देता है, पीएमओ को जवाब देता है, उसकी जानकारी की बुनियाद पर हम ये चर्चा कर रखे हैं। इस चर्चा की बुनियाद पर सवाल नहीं उठ सकते, ये खबरें अभी तक जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहा है, लेकिन आप ये बताइए क्या रिव्यू किया जाएगा इस बात को लेकर, जो रंजीता जी का सवाल? देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज की एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से आ गई कि आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि पीएमओ ने कोई चिट्ठी जारी की है। दूसरा, बहरहाल कोई बात नहीं, वो हो जाता है, जोश जोश में आनंद फानंद में आप भी कुछ उठा लेते, उसके बाद क्या होगा वो भी आप क्लियर कर दीजिए। अगर आप इस बात को खारिज नहीं कर पाते कि पीएमओ ने सवाल पूछा या फिर नहीं, जो कि आपका शुरुआत से स्टैंड है कि पीएमओ ने पूछा कि नहीं, अगर इस बात को आप तथ्यों के साथ खारिज नहीं कर पाए तो बताइएगा। मैं देखो ज्योति, आई विल बी वेरी क्लियर, मैं स्केप्टिकल हूं, में चर्चाएं नहीं होती, मैं स्केप्टिकल हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिलीवर या नॉन बिलीवर हूं, मैं कह रहा हूं मैं स्केप्टिकल हूं, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मान रहा हूं, सवाल के साथ आप जवाब मांग रहे हैं, ज्योति आप सुनिए, आप कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, इसलिए ये चर्चा हो रही है, इसलिए मैं यहां बैठा बात कर रहा हूं। बार बार उसी सवाल को लेकर देखिए, ऐसा है, आपने पूछा रिव्यू, तो रिव्यू करेगा विभाग, रिव्यू रमनीक मान तो करेगा नहीं, ठीक है, आप मेरे से आज 8:30 पूछ रहे रिव्यू होगा या नहीं होगा, रिव्यू विभाग करेगा, और ऐसा कुछ होगा तो जानकारी आपके पास आएगी, पहली बात, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। दूसरी बात, अगर कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हो जाता है या होने की अपेक्षा रहती है, उस सूरत में अगर एडवाइजरी जारी की जाती है या उसको प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है, उसके ऊपर इतना बवाल क्यों है? और उसी एक एक डिसीजन को आप अनेकों डिसीजन के साथ जोड़ जोड़ के कहीं से आप ये उठा रहे हैं, कहीं से आप वो उठा रहे हैं, कहीं का आप कब्रें खोद खोद के ला रहे हैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए, एक विभाग के मंत्री को टारगेट करने के लिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। पर बहरहाल, अगर हम इस चीज का अगर हम केवल इस टॉपिक के ऊपर Stick to this topic, अगर हम कृपा करके इस टॉपिक के ऊपर बात करें ज्योति सांगवान जी, तो इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। अगर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक अलर्ट जारी किया जाता है अक्रॉस द बोर्ड, इस पैनल के ऊपर विशेषज्ञ बैठे हैं, राजनीतिक लोग बैठे हैं, समेत दो पहलू होते हैं, बच्चों की पढ़ाई की भी बात कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। अगर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक अलर्ट जारी किया जाता है, तो अब उसको राजनीति करना आप जैसे मर्जी करें, उसके लिए रंजीता मेहता जी उत्तर सुना नहीं आते, आपको दोबारा सुना रहा हूँ, मान साहब भी जवाब दे रहा है, रंजीता मेहता जी सुनिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कभी लिख के नहीं देता स्कूल बंद कर दो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिख के नहीं देता स्कूल बंद कर दो, लेकिन आज जो कहा गया मंत्री जी के आदेश के बाद जो कहा गया, जो सवाल पूछा गया उसको लेकर क्या बहुत बड़ी बात है? आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम ये दो दिन के स्कूल बंदी का फैसला डिस्कस कर रहे हैं या आप ऑक्सीजन बोर्ड सब कुछ उठा के आज लेके आएंगे? क्या चर्चा किस विषय पे हो रही है? अच्छा स्पष्ट कीजिए, आप एंकर हैं दोनों, जोगीराम जी आप दोनों एंकर हैं, क्या क्या किस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? आपके फैसले पर स्कूल बंद कर चंडीगढ़ की अगर बात कर ली जाए, तेज हवाएं चंडीगढ़ में शुरू हो चुकी हैं, इस वक्त की जानकारी दे रखी है, कैसी हवाएं बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसा तूफान, कैसा दबाव, धैर्य रखिए सर, आप सरकार की ओर से हैं, कैसा तूफान बुलाने का प्रयास कर रहे हैं सर, आपसे अपेक्षित है आप धैर्य तुलनात्मक रूप से, नहीं मैं धैर्य से हूं भाई, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं कि आज का सब्जेक्ट क्या है, सरकार के प्रवक्ता हैं सर, आज का सब्जेक्ट क्या है, आज का सब्जेक्ट ये है कि मंत्री जी जब जब आदेश देते हैं तब तब ही बवाल क्यों होता है, ये सब्जेक्ट है आज का, मैं पांचवी बार इस बात को
क्यों दोहरा रही हूँ? नहीं, आप पहली बार दोहरा रहे हो। ये इस अपडेट के साथ है, ये इस अपडेट के साथ है कि दो दिन का अवकाश घोषित किया जाता है, उसके बाद ये नौ बताती है कि स्कूल बंद क्यों किए गए। विषय को आपकी तरह से सर कैसे डिफाइन करें, आपकी सहूलियत के हिसाब से? देखिए ज्योति, मेरी सहूलियत सदा आपकी रही है, चैनल आपका प्रोड्यूसर, आप निश्चित निर्णय लेंगे। क्या आपने केवल ये कहा, आपने केवल ये कहा कि दो दिन का अवकाश क्यों? सजग रहना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों के बारे में ऐसा सोचा जाता है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रखी है। चंडीगढ़ में बरसात, तूफान शुरू हो चुका है, तेज हवाएं जो है चंडीगढ़ में चल रखी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रखी है। तो तेज हवाएं चल रखी है, बरसात शुरू हो चुकी है, जो कि आशंका जाहिर की गई थी, संभावित था कि तूफान आएगा, उसके बाद आदेश दिए जाते हैं मंत्री जी के आदेश के बाद। जोगीराम जी, आपका कमेंट शुरू कीजिए। देखिए मैडम, इसमें सजग रहना और बच्चों के बारे में ऐसा सोचना बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक पैनिक ही क्रिएट कर देना वो गवर्नमेंट की तरफ से गलत है। क्या बार भाई आ गया तूफान भाई, आप प्रतीक्षा में थे सुबह से, भी गलत है, प्रेशर मीडिया का भी बड़ा गलत है। बार बार ये हो जाएगा, अपनी दवाई अंदर रख लीजिए, अपनी ये कर लीजिए, मतलब हर एक जगह गवर्नमेंट से और मीडिया का दोनों का इसमें रोल रहा है कि बार बार ये रहा, इतनी पैनिक ही क्रिएट कर दी कि अभी 3 तारीख को जैसा हुआ था उससे कुछ ज्यादा ही होने वाला है। हाँ। और आप लोग सारा कुछ सामान लेके अपने घर में बैठ जाइए, जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। बिल्कुल, कि भाई इसमें ठीक है हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन पैनिक ही क्रिएट ना करें। मंत्री जी के फैसलों के पीछे कारण क्या है, फैक्टर क्या है? सखा श्याम जी, नहीं फायर अभी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को हमने सुना। सर सुनिए ना जोगीराम जी, सर सुनिए, अभी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को हमने सुना, उनकी ओर से कहा गया कि हमने मीडिया पर देखा, सोशल मीडिया पर देखा, जिस तरह की अफवाहें थी उसके बाद डिसीजन लिया गया। क्या सरकार अफवाहों की बुनियाद पर, बातों की बुनियाद पर, मीडिया जो दिखाता है उसकी बुनियाद पर नहीं, उनकी ओर से कहा गया? सर सुनिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको सुनिए, क्या बात पूरी की मैंने, उसके हिसाब से उसकी बुनियाद पर ये डिसीजन लिया गया। मीडिया जो दिखाएगा उसकी बुनियाद पर लेंगे या फिर जो स्थिति है उसको गहराई से समझेंगे विभाग और मंत्री जी? देखिए तीन बातें हैं इस पर, तो इस पर तो आप भी और सारे एंकर, ये एंकर भी और ये सारे प्रवक्ता और मैं भी इस पर वो हूँ, और वैसे भी एक लॉ में है कि भाई हजार जो है वो दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष ना छूटे, उसी तरीके से हमें इस तरीके की बच्चों के साथ आजकल एक एक दो दो बच्चा होता है, तो ये जो डिसीजन लिया, लेकिन बात दो ही है। एक तो ये है कि ये सरकार हमेशा ही कुछ का कुछ वो लेती है डिसीजन और उसको पलटती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट पर पद्मावती में दिया, पहले तो जो है खट्टर साहब ने कहा सेंसर बोर्ड जो कहेगा हमें मान्य होगा, उसके बाद कहा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसके बाद भी बंद होगी, उसके बाद मैंने बताया कि उन लड़कियों को इनाम दे घोषित कर दिया गया, फिर बिना सोचे समझे फिर फरीदाबाद के दलितों पर, फिर गुड़गांव के बच्चे पर, फिर सैनी की उस पर के अपने ही एमपी को कर दिया। यानी ये सरकार जो है कन्फ्यूज्ड है, विवेकहीन है कि भाई हमें क्या करना है, ये सक्षम नहीं है कि सही दिशा में चले। दूसरी बात मैंने जो पहले कही थी कि मुझे समझ नहीं आता कि भाई दो दिन की छुट्टी जिसमें हम सब भी मान रहे हैं और मेरे ख्याल से 80% लोग भी माने, 20% विम्सिकल ना माने इस बात को, दैट्स अलग, लेकिन पीएमओ को इसकी क्या जरूरत थी कि दो दिन की छुट्टी होगी तो क्या बम गिर गया? दिस आई डोंट एग्री, क्योंकि जब पीएमओ इतनी बड़ी बड़ी चीजों पर वो नहीं लेते तो इस पर किस लिए संज्ञान लिया गया? यानी उन्हें और कोई काम ही नहीं है, इतने बड़ी चीजें हो रही हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है। देखिए रंजीता जी, आपकी बारी आए तब तो सबसे बड़ी बात आज के मुद्दे में मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए थी कि पीएमओ चुप क्यों रहता है अच्छे मुद्दों पर और खामखा की बात पर क्यों बात करता है? दूसरी बात यह है कि इस सरकार का हर मंत्री, चाहे वो धनखड़ साहब हो, चाहे विज साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो गलत बयानी और गलत डिसीजन लेके वापस क्यों लेते हैं? और यही नहीं, आप ये देखिए नोटबंदी में कितने फैसले बदले गए, जीएसटी आज तक चल रहा है, ये इस तरीके के बयान जो हैं, इस तरीके के फैसले जो इस सरकार का एक रूल बन गया है, नॉट एक्सेप्शन, दिस हैज बिकम ए रूल एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं आज ही एक उपन्यास पढ़ रहा था, उसमें वो लिखा था मेरे एक मित्र ने, श्रीकांत ने, कि चुनाव जीतने वाले सोचते हैं कि हमने देश बचा लिया और चुनाव हारने वाले सोच सकते हैं कि देश बचेगा नहीं, और हमारे जैसी आम जनता सोचती है कि इन दोनों से देश को कैसे बचा। मान साहब ठीक है, ओके,
चलिए उपन्यासों की बात बाद में करेंगे, पहले तो उपन्यास में बहुत बढ़िया बात की, ये नहीं हो सकती उपन्यास की चर्चा, इसकी बात उपन्यास की सोच की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, अपने पास इसके बाद भी समय रहेगा। जी जी श्याम शंकर श्याम जी, मेरा निवेदन बार बार ये है, जिस चीज को आधार बना के श्याम शंकर श्याम जी ने सारी की सारी बातें अपनी रखी, वो सब्सटैंशिएटेड है या नहीं, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बाद। परंतु पहली चीज ये है कि आज का जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्या ये सही था या नहीं था। आपने एक ब्रेकिंग बीच में दिया कि चंडीगढ़ में तूफान आ गया, 8 घंटे पहले आया, 8 घंटे बाद आया, अनुमान रहता है, बच्चों को हानि नहीं होनी चाहिए, ये सरकार का दृष्टिकोण था, ये विभाग का दृष्टिकोण था। अब जहां तक इस चीज को लेकर प्रश्न है, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी उससे असहमत होगा। अगर सरकार के इस निर्णय से अगर आप सहमत हैं तो इस डिबेट का, इस परिचर्चा का क्या अर्थ था, मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल अगर ज्यादा देर तो मैं बता दूं, क्योंकि देखिए 48 मिनट से आप डिबेट कर रखे हैं, करीब करीब 50 मिनट से, उसके बाद भी पार्टी के प्रवक्ता ये पूछे कि डिबेट का कारण क्या है, उसके पीछे जवाब लेने की मंशा क्या है, तो पीएमओ ने कब कब सवाल पूछे हैं हरियाणा के मंत्रियों, विभागों से या किसी भी सरकार जब उसको लेकर आज पूछा क्या, मौसम विभाग ने ऐसी क्या एडवाइजरी जारी की कि स्कूलों की छुट्टी करने की नौबत आ गई सर, बहुत शुरुआत से कितनी बार उत्तर दूंगा, दोबारा उत्तर दूंगा, आपने आपने बार बार कहा, मान साहब आपने दोहराया, मान साहब आपने दोहराया, जो थी ये अनसब्सटैंशिएटेड एक इंफॉर्मेशन है, उसको अभी सब्सटैंशिएट ना आप कर पा रहे हैं ना मैं कर पा रहा हूँ, तो उसको लेके हम उसको वी कैन बी स्केप्टिकल अबाउट इट, जब तक वो सब्सटैंशिएट नहीं होता, जब तक आप सिद्ध नहीं करते, ठीक है कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विभाग ने एक ऐसा निर्णय लिया बच्चों की सुरक्षा के हित में, तो उसके अंदर आपत्ति, हमें उसमें कुछ गलत नहीं लगा, और बच्चों की सुरक्षा के मामले में, और बच्चे सुरक्षित तो क्या होंगी उनका अपमान किया जाता है ब्राह्मणों की बेटियों का सवाल डालकर, उसके ऊपर तो पीएमओ हाउस से संज्ञान दिया जाता है, क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया अभी तक, आपने भारत भूषण बत्रा जी को क्यों नहीं अभी तक बर्खास्त किया, सीएम साहब ने माफी नहीं मांगी, जब आंदोलन शुरू होगा सड़कों पर बवाल आएगा, फिर इनकी तरफ से बयान आएगा कि हमने माफी मांग ली है, आप ऐसी नौबतें बाबर हरियाणा के अंदर लाते क्यों हैं? आज शिक्षा को आपने इस तरफ नीचे गिरा दिया है, जोगीराम जी इंटेलेक्चुअल लेवल इतना गिर चुका है, इससे पहले भी हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने जब महाविद्यालयों में 20% सीटें बढ़ाने की बात कही थी तो भी विवाद हुआ था, मैडम सुनिए रंजीता जी, चिल्ला के बात सच नहीं हो जाती, मान साहब सर प्लीज सुनिए, संक्षेप में सरकार में हर एक मंत्री को यह है कि भी मैं क्या बोलू किस समय बोलू, उसमें विवाद हो या ना हो, ताकि उसकी 2-4 दिन क्लिपिंग चलती रहे। आप इतनी जानकारी रखते हैं क्या सरकार के विषय में? और वो चाहते यही है कि मैं ऐसी बात बोलू उसकी क्लिपिंग चलती रहे, पब्लिसिटी। आप लोग क्या करते हैं पब्लिसिटी के लिए? कार चाहती है। आप सड़क खोद के आते हैं पब्लिसिटी के लिए? नहीं सर, आप हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं पब्लिसिटी के लिए? आप जेल भरो करते हैं नकली तौर पे पब्लिसिटी के लिए? आप पब्लिसिटी के लिए क्या क्या करते हैं बताएंगे? आप बताएंगे? और भी आप हाथी पे बैठते हैं पब्लिसिटी के लिए? आप पब्लिसिटी के लिए क्या कुछ करते हैं? आज का टॉपिक क्या है? छात्र संघ चुनाव की आज का टॉपिक है, छात्र संघ चुनाव है आज का टॉपिक? नहीं नहीं, बस आप उधर जा रहे हैं तो मैं भी उधर जाऊंगा, नहीं रहा भाई, आप मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि पब्लिसिटी के लिए आप क्या कुछ करते हैं? इनके नोटिफिकेशन मैं कह रहा हूँ हुआ था अभी तक, नहीं नहीं, आप लोगों ने सुन लिया है जो बोलते हैं के लिए क्या करते हैं? चलिए आखिरी एक मिनट है हमारे पास, सखा श्याम जी बोलते हैं इनके बारे में, सखा श्याम जी जरा आखिरी कमेंट, जोगीराम जी जो भी बोलेंगे वो वही बोलेंगे, आप नकली कच्चा पक्का सा जेल भरो, सखा श्याम जी इस फैसले पर कोई एतराज नहीं, नंबर एक देखिए सर मैं बोल रहा हूँ, मुझे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं, नंबर एक। नंबर दो, मुझे इस बात पर बहुत एतराज है कि पीएमओ ने इस पर ही क्यों लिया, और तीसरी बात यह है कि हर मंत्री जो है गलत फैसले रहा है, लड़की को इनाम दे दिया गया, फिर कई बार हुआ है इस तरीके की, नहीं रोज हो रहा है, सबसे बड़ी बात ओवर चला दे, रोज ही हो रहा है, सब देख लीजिए, अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक जवाब भी दिया जाता है, आखिरी पंक्ति मेरी जी, देखिए आप आज तक 1947 से आज तक
जो फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति जी के हाथ से दिए जाते थे, 11 हाँ। आदमियों को देके वो कर दिया। तो ये सरकार हर चीज को तोड़फोड़ कर रही है, किसी परंपरा को नहीं निभा रही। चलिए ठीक है, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। मान साहब जल्दी कीजिए आखिरी कमेंट पर। देखिए मेरा केवल इतना कहना है कि अगर कोई चीज सब्सटेंशिएटेड नहीं है उसको लेके आप सबको जोड़ लें, आप पब्लिसिटी की बात कर लें, आप आज पोस्ट पॉलिसी की बात कर लें, आप सड़क होते हैं वो पब्लिसिटी स्टंट होता है आपका, आप नकली सा एक जेल भरो आंदोलन करते हैं, आपसे सरकार 30 बसें भेजती है, आपसे 3 नहीं भरी जाती, आपसे 3 नहीं भरी जाती। हमेशा की तरह जो है हर साल इस तरह का जो है तूफान की आशंका रहती है, मई महीने में रहती है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि 2 दिन की छुट्टी बच्चों की कर दी गई। बड़ी बात में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।